तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मेरा जीवन किस काम का। मैंने संतों की शरण ली, मैंने घर त्यागा, मैंने द्वार त्यागा, मैंने परिवार त्यागा, सर्वस्व त्याग करके तुम्हारी शरण में आया हूं। मैंने तो सुना है प्रभु आपकी ये प्रण है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो संसार को छोड़ मेरी शरण में आता है मैं उसको मिलता हूं, देर नहीं करता, उसके योग क्षेम को खुद बहन करता हूं। तो भगवान ने दर्शन दिए नारद जी के हृदय में, अंतर में दर्शन तो हो गए लेकिन थोड़ी देर बाद वो छवि गायब हो गई। जैसे कोई इंसान किसी को भ्रांति दे दे, किसी वस्तु को दिखा करके फिर छीन ले, किसी वस्तु को दे करके पुनः छीन ले, ऐसे ही परमेश्वर ने हृदय में दर्शन दे करके उस दर्शन को लुप्त कर लिया, ताकि और लालसा जागृत तो हो जाए, ताकि और प्यास लगे, प्रभु की प्यास लगे तो समझ लो जीवन बन रहा है। यहां एक बात मैं बताई देता हूं आपको, ध्यान से सुने। आप में से कुछ लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र पढ़ा है। अर्थशास्त्र में एक नियम होता है, उसको कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम, पढ़ा होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया, उपयोगिता ह्रास नियम होता है। उसमें क्या होता है कि डायग्राम बनता है, उपयोगिता कहीं तक बढ़ती है फिर वो माइनस में जाती है। कहां लागू होती है ये, तो वहां उदाहरण दिया जाता है कि मान लो आपको भूख लगी है, आपको एक रोटी दी जाए, फिर आपसे पूछा जाए रोटी लोगे तो आप कहेंगे हाँ जी अभी तो कुछ नहीं बना, एक और लेंगे। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। घर की मुर्गी है, दाल बराबर है, ठीक है जी, हम आपके हैं, शायद आप हमको मानते हैं, हम भी आपका इतना स्नेह मिला है, इतना प्रेम मिला है फरीदकोट को, फरीदकोट शहर का जितना स्नेह रमेश पाराशर को मिला है शायद ही किसी ब्राह्मण को मिला, मुझे फकर है, इसलिए हम आपके हैं और आप हमारे हैं, घर के हैं हम आप, घर का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध, कुछ ऐसा भी कहते हैं। पर चलो हम उधर नहीं जाते, हम आते हैं अपनी लाइन पर। उपयोगिता ह्रास नियम एक चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। उसमें आपको भूख लगी है, एक रोटी खिलाई जाए तृप्ति नहीं होगी, दूसरी रोटी और ज्यादा उपयोगिता रखेगी, तीसरी और, चौथी और, पांचवी और। पांच रोटी अगर आप खाते हैं तो छठवीं आप रोटी आप नहीं मांगेंगे, नहीं लेंगे, जबरदस्ती दी जाएगी तो वो माइनस में जाएगी, उसकी उपयोगिता माइनस में जाएगी। ध्यान से सुन रही है ना, समझ रहे हो ना, माइनस में जाएगी। लेकिन परमात्मा के नाम में ये उपयोग नियम लागू ही नहीं होता। जितना सुनोगे, जितना समझोगे, जितना गहराई में उतरोगे उतना ही आनंद होगा। ये इकोनॉमिक्स का जो नियम है, जो अर्थशास्त्र का नियम है, वहां जाके ये भी फेल हो जाता है। कभी कोई ये नहीं सुनेगा, कभी सुना नहीं होगा कि उसने ज्यादा कथा सुन ली इसलिए पेट बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई या बीमार हो गया, ऐसा कभी नहीं। इसलिए इसको जितना सुनोगे, जितना समझोगे, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आनंद आएगा। और गहराई में नहीं जाओगे, ज्यादा ज्यादा नहीं सुनोगे, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, हो किमि समझो में जीव जड़,
से भी मूढ़। जब तक कलियुग का पैरा हमारे शरीर पर है तब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं, विचार नहीं पाते हैं। नारद जी के हृदय में भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन थोड़ी देर दर्शन देके गायब हो गए और प्यास और ज्यादा बढ़ा दी, लालसा और ज्यादा बढ़ा दी। आखिरकार व्योमवाणी भी हुई, इस जन्म में नारद मुझे तेरा दर्शन, तेरे को मेरा दर्शन नहीं होगा, मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब नारद जी सोचते हैं कब ये जन्म मेरा छूटे, कब दूसरा जन्म मिले और मुझे परमात्मा के दर्शन हो। तो बिना प्रयास ही शरीर छूट गया और जन्म मिला ब्रह्मा जी की गोद से, और नारद जी ब्रह्मपुत्र कहलाए, दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र कहलाए। क्या नहीं कर देता वो भगवान, बताओ। एक दासी के पुत्र से ब्रह्मपुत्र बना। नारद जी फकड़ से कहते हैं ये वीणा मेरे को परमात्मा ने दी है, इस वीणा पर मैं प्रभु का गुणगान स्वच्छंद होकर के विचरण करता हूं। नारद जी को एक और सौभाग्य मिला है, वो हर किसी ऋषि मुनि को नहीं मिला। वो कौन सा? कि नारद जी राक्षसों में चले जाए तो वहां भी सम्मान होता है, राक्षस देवताओं में चले जाए वहां भी सम्मान होता है, मनुष्यों में चले जाए वहां भी सम्मान होता है, जहां जाए वहीं नारद जी का सम्मान होता है। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा, व्यास जी से कहा, जब तक ईश्वर के गुणगान नहीं करोगे, तब तक श्री कृष्ण भगवान की कथा नहीं गाओगे, तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, नारद जी से प्रेरणा ली। सप्त श्लोकी चतुर्श्लोकी भागवत भी है, जो चार श्लोकों में भागवत पूर्ण की है, उसमें तत्व यही बताया है कि भैया संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है, संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अगर कोई है आपको दिखाई दे रही है तो वो भ्रांति है। भ्रांति कैसे है? घट घट में परमात्मा बैठा है, कण कण में परमात्मा बैठा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। उसको पहचानने के लिए आंख भी तो चाहिए, क्योंकि आपने महाभारत का प्रसंग सुना है, गीता सुनी है। गीता के प्रसंग में एक बात आती है, ग्यारहवें अध्याय में क्या आती है कि भगवान ने दसवें अध्याय में अपने दिव्य रूप का वर्णन किया है, विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान ने कहा ब्रह्मा में हूं, ये इंद्र में हूं, ये शंकर भी में हूं, ये सुमेरु पर्वत भी में हूं, ये समुद्र भी में हूं, ये सूर्य चंद्र तारा जितने भी हैं सब में हूं, और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। समझना, मैं वो सप्त श्लोकी के बारे में, चतुर श्लोकी के बारे में बता रहा हूं। तो मन में विचार आया अर्जुन के में, ये मेरी मामा के बेटे हैं, मैं इनकी बुआ का बेटा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे सामने इनका जन्म हुआ है, और कह रहे हैं ये ब्रह्मा भी मैं हूं, ये शंकर भी मैं हूं, और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो अर्जुन ने कहा प्रभु उस रूप का जिसका आप वर्णन कर रहे हैं क्या मुझे दिखा दोगे? तो भगवान ने कहा हाँ, देखना चाहता है कि हाँ देखना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं इन नेत्रों से तू मेरे उस रूप को नहीं देखना देख सकता, तो फिर कैसे देखूंगा भगवान? तो भगवान कहते हैं
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरः। हे योगेश्वर, कहने का भावार्थ सीधा है कि अगर भगवान दिव्य नेत्र नहीं है तो योगेश्वर भी भगवान को नहीं देख सकते। और अभी मैं क्लियर कर देता हूं सारी बात। भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरः। हे योगेश्वर अर्जुन, अगर तू देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु दे दीजिए भगवान। भगवान ने दिव्य नेत्र दे दिए। दिव्य नेत्र देने के बाद भगवान ने अपना रूप दिखाया और दोनों सेनाओं के बीच में दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, तत्व निकाल लीजिएगा। दोनों सेनाओं के बीच में दिखाया। ऐसी बात नहीं कि वह ज्ञानी नहीं हो। भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी थे, महाराज युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे, नकुल सहदेव अपने को पंडित समझते थे वो भी ज्ञानी थे, अश्विनी कुमार के अवतार थे, इसके अलावा शल्य, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और भी बड़े बड़े ज्ञानी थे वहां। लेकिन वो रूप देखा तो देखा किस किसने, वो रूप भी ऐसा जमीन से लेकर के आसमान में न तव आदिम न तव अंतम, न जिसका आदि है न अंत है। और 100 सूर्य 1000 सूर्य एक साथ निकले, इतनी क्रांति उसकी। लेकिन देखा किस किसने, दो आदमियों ने। पहला आदमी कौन, अर्जुन, जिसको भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। और दूसरा कौन पता है किसी को? रोज रामायण सुनते हो, रोज महाभारत सुनते हो, रोज गीता सुनते हो, लेकिन सुनो ही सुनो मत। अरे भक्ति को ही मत ग्रहण करो, ज्ञान वैराग्य को भी ग्रहण करो। मैं आपको ये कथा इसीलिए सुनाना चाहता हूं कि अकेली भक्ति से ही काम नहीं चलेगा, ज्ञान वैराग्य भी साथ में होने चाहिए। कथा प्रारंभ ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति से होती है। किस किसने देखा, एक अर्जुन ने जिसको भगवान ने दिव्य नेत्र दिए, और एक वेद व्यास जी ने कृपा की। करने तो आए थे अंधे धृतराष्ट्र के ऊपर कि तुझे नेत्र दे दूं, नहीं नहीं मुझे मत दो, मेरे मंत्री को दे दो, संजय को। कृपा हो रही है लेकिन कृपा लेने के भी सामर्थ्य नहीं। किसको कह दिया, संजय को। तो संजय ने देखा, कहां पर बैठे, हस्तिनापुर में बैठे संजय ने देखा और अर्जुन ने देखा, तीसरे किसी ने वो रूप देखा ही नहीं। समझ में आ रही है? इसलिए वो दिव्य नेत्र चाहिए। अगर वो दिव्य नेत्र हैं हमारे पास तो हम कथा सुने। मैं अधिकार का पहला जो स्कंद है, प्रथम स्कंद अधिकार का स्कंद है, इसलिए ठोक ठोक करके ये बता रहा हूं आप लोगों को कि अधिकार का स्कंद है तो अधिकारी बनिए, फिर सुनिए, फिर गुनिए, तब ये भागवत आपके पल्ले पड़ेगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही जागृत हो तभी हमारा कहना शुद्ध जो है सफल है, तभी आपका सुनना सफल है। और अकेली भक्ति रह गई, ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं, तो बिना ज्ञान वैराग्य के कहते हैं भक्ति लंगड़ी है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी हमारे हृदय में जागृत हो तभी हमारा सफल है। तो नारद जी दूसरे जन्म में नारद जी बने, ब्रह्मा जी के पुत्र बने, सौभाग्य मिला। आते हैं, कुछ प्रसंग आता है महाभारत से। उस समय की बात है जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया। द्रौपदी रोई,
बड़ी रोटी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने इन सोते हुए पुत्रों को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। अर्जुन ने रथ दौड़ाया और वेदव्यास जी के आश्रम के निकट दोनों में अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू हो गई। अश्वत्थामा के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि पापी इंसान के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसने पाप किया था, सोते हुए राजकुमारों को रात में काट लिया। चोर के दम नहीं होती है, इसलिए हड़बड़ा करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वेदव्यास जी ने बहुत रोका लेकिन संधान कर दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी संधान करो ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन कहता है भगवान क्या कह रहे हो आप, कि मैं सत्य कह रहा हूं, कांटा लगता है तो कांटा खोलते हैं कांटे को निकालने के लिए। सत्य बात है कि नहीं? जब पैर में कांटा लगता है तो कांटा ढूंढते हैं कांटे को निकालने के लिए। सांप काट जाता है तो जहर ही दिया जाता है, जहर को जहर मारता है। ऐसे ही आप इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र संधान करके ही निरस्त कर सकते हो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी संधान कर दिया ब्रह्मास्त्र। वेदव्यास जी ने कहा बेटा रोको इसको, कि मैं तो रोक लूंगा पर वो तो रोके। वो कहता है हमको तो छोड़ना ही आता है, रोकना तो आता ही नहीं है। अर्जुन ने कहा फिर मैं दोनों को ही रोक लेता हूं। अर्जुन ने फिर दोनों को ही वापस कर लिया और उसको बांध करके द्रौपदी के सामने जाकर के प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि ये ब्रह्मवद्दून हंतव्यम, ये ब्राह्मण का पुत्र है, मारना नहीं चाहिए। भीम कहता है इसको तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। महाराज युधिष्ठिर से पूछा क्या करें, उन्होंने कहा जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्मवद्दून हंतव्यम आताताएव धारणव, ब्राह्मण को तो मारना नहीं चाहिए लेकिन आताताई को छोड़ना ना चाहिए, और मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन किया जाए। अब बताओ दोनों आज्ञा कैसे पालन हो, या तो मारना ही है या छोड़ना ही है, दोनों बात कैसे हो सकती है। आखिरकार उसकी एक तरफ की दाढ़ी मूछ काट दी और आधे बाल काट दिए, मणि निकाल दी, बेइज्जत करके निकाल दिया, क्योंकि किसी इंसान को बेइज्जत करके निकाल दो तो वो मरने के ही बराबर है। लेकिन यहां भी सबर नहीं आया अश्वत्थामा ने। पुत्रा के गर्भ में जो एकमात्र पुत्र पल रहा था, एकमात्र दीवा टिमटिमा रहा था, एक चिराग टिमटिमा रहा था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का पुनः संधान कर दिया। पुत्रा ने बड़ा रोई, हे प्रभु मेरे को मेरी कोई चिंता नहीं लेकिन मेरा गर्व न गिरे, क्योंकि ये कौरव पांडवों का कुल का एकमात्र दीपक है। कुंती ने भगवान को प्रार्थना की प्रभु रक्षा करिए, भगवान हम पर तो जब अभी आपत्ति आई है तब आपने हमारी रक्षा की है। नमस्ते पुरुषं त्वाम् अमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिस्थितम्। हे प्रभु सब जीवों में अंदर और बाहर स्थित रहने वाले परमेश्वर आप ही हमारी रक्षा करें। कुंती भुआ ने प्रार्थना की तो प्रभु सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस बालक की रक्षा कर दी। ब्रह्मास्त्र को भी परमात्मा ने निरस्त कर दिया। उत्तरा को शांति मिल गई, भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रभु को याद आया कि अभी मेरा एक
ऐसा वक्त है जो मेरा इंतजार कर रहा है मृत्यु का। वो कौन है? वो है श्री भीष्म पितामह। भगवान सारे परिवार को लेकर के वहां पहुंचे। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्थिति भगवान की ने आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह ने अपना तन मन सब परमात्मा को समर्पित करके भीष्म पितामह स्वर्गवासी हुए, शरीर छोड़ दिया। भीष्म पितामह के संस्कार आज से निवृत्त होकर के भगवान द्वारकापुरी चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया इतनी मदद हमारी भगवान ने की है, अकेले द्वारकापुरी तक जाएंगे तो साथ चला जाएंगे और कुछ दिन रहकर के फिर वापस आ जाएंगे। अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के अर्जुन भगवान के साथ द्वारका में गया। द्वारका में भगवान ने जाकर के विचार किया, मैंने सारी दुनिया का भार तो उतार दिया लेकिन दीपक के तले अभी भी अंधेरा है। इसलिए भगवान सोचने लगे, ये यदुवंशियों को भी अहंकार हो गया है, किसी तरह ये भार भी उतरना चाहिए। तो परमात्मा की इच्छा से यदुकुल का भी संहार हो गया। जिस समय यदुकुल का संहार हुआ अर्जुन वहीं पर था। सारा यदुकुल संहार हो गया, भगवान जब स्वधाम जाने लगे तो अर्जुन को बुलाया और कहा, भैया अर्जुन 7 दिन बाद ये सुंदर द्वारकापुरी जलमग्न हो जाएगी, यहां से जितना सोना हीरे जवाहरात तेरे से ले जाए जाए ले जाना, और मेरी इन गोपियों को, मेरी इन पत्नियों को तू सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाना। अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, पर आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा, मैंने तुझे जो गीता का ज्ञान दिया है उसे शाश्वत रखना और तेरा कल्याण होता रहेगा। उद्धव जी को जब पता लगा कि भगवान जाने वाले हैं तो बहुत रोए उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे फिर हमारा क्या होगा? संसार के भक्तों हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, मैं तुझे साथ तो ले जाऊं लेकिन मेरे चले जाने के बाद मेरा प्यारा विदुर मेरी याद में बड़ा दुखी होगा, तुम उसे सांत्वना देना, उसको ज्ञान देना और बाकी का ज्ञान लेने के लिए मैत्री जी के पास में उसको भेज देना। उद्धव जी बड़े हिरास मन से रह गए लेकिन कहने लगे, प्रभु सहारा तो बताइए संसार का, ये दुनिया कैसी जिएगी कैसी चलेगी? भगवान ने कहा, देखो मैं अपने सारे शरीर से इस भागवत में प्रवेश कर जाता हूं और ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। तब से भगवान का स्वरूप भागवत माना गया। बोलिए भागवत भगवान की। तो यूं ही नहीं भगवान को, भागवत को भगवान का रूप मान लेते हैं। भगवान ने वायदा किया उद्धव से, उद्धव जब मैं जा रहा हूं दुनिया को छोड़ के तो मेरा ये भागवत ही स्वरूप है। इसके जो दर्शन कर लेता है, इसका जिसको स्पर्श होता है, जिसके घर में ये भागवत विराजमान है, कलयुग नहीं आता वहां। पता है दोनों खंड रखे हुए हैं भागवत के, प्रथम और द्वितीय खंड। चाहे भले एक अध्याय करते हो, ये मैं नहीं कहता कितना करते हैं, लेकिन हमारे परीक्षित श्री मंगत रायगढ़ जी जब तक भागवत का एकाध अध्याय नहीं कर लेते खाना नहीं खाते।
धन धाराय और लक्ष्मी घरवाली, अच्छा धन, अच्छी लक्ष्मी तो पापियों की भी होती है, लेकिन भगवान की कथा सत्संग से प्रेम, सत्संग ये तो किसी बिरले के ही घर होती है। कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जिस पर भगवत कृपा होती है और वो सत्संग से प्रेम करता है, नेह करता है। आयु हुई है, हाथ कांपते हैं। मैंने कहा पूजा तो आप नहीं करानी, जब मैं कथा करूंगा तो पूजा तो आप ही कराएंगे, मेरे बस की नहीं है पंडित। पर आप कह रहे हैं तो मैं ही पूजा कराऊं। भाई साहब सुबह 10:15 बजे यहां बैठे और मैंने घड़ी घर जाकर के देखी 3:15 बज रहे थे। इतनी देर बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, श्रद्धा से, वो श्रद्धा परमात्मा किसी किसी को ही देता है। गीता में भी भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? जिसके हृदय में श्रद्धा। सिमटी सिमटी जलो भराए तालाबा इकट्ठा हो करके जल तालाब भर जाता है। कैसे भरता है? जिम सदगुण सज्जन पही आवा, जैसे सदगुण सज्जन के पास आता है। आप जानते हो मेरी माताएं बहनें जब कुछ बनाती हैं घर में और बना करके किसी दूसरे बर्तन में जब खाली करती हैं, उस बर्तन को 4 बार देखती हैं, कुछ पड़ा तो नहीं, कुछ लगा तो नहीं है, फिर कपड़े से साफ करती हैं, साफ किए हुए भी वो भी बार बार साफ करती हैं, अपने साड़ी के या चुनरी के पल्लू से पहुंचती हैं। किसको? जो अभी खाया और खाने के बाद 9 द्वारों से विष्ठा मल मूत्र के रूप में निकल गए। लेकिन ये ज्ञान है मेरे भाइयों फरीदकोट वासियों, ये है ज्ञान। और इस ज्ञान को समेट करके रखने के लिए स्वच्छ पात्र चाहिए। अगर स्वच्छ पात्र है तो इस ज्ञान को समेट के रख लोगे, नहीं तो मैं कथा करके 27 तारीख को चला जाऊंगा। जाऊंगा तो कहां, आपके बीच में ही रहूंगा। पर पल्ले तो तभी पड़ेगा जब स्वच्छ पात्र। सिमित सिमित जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। जैसे सदगुण सज्जन के पास आते हैं, दुराचारी के पास नहीं जाते, अत्याचारी के पास नहीं जाते, अन्यायी के पास नहीं जाते, किसके पास आते हैं? सदगुणी इंसान के पास, जो सज्जन पुरुष है, जो भला आदमी है, जो अच्छा इंसान। तो महाराज युधिष्ठिर ने भेज दिया है, एक दिन महाराज युधिष्ठिर भ्रमण करने के लिए नगर में निकले तो क्या देखा है? घर से कोई यंत्र लगा है दरवाजे से। पूछने लगे मंत्रियों से, ये क्या चीज है? मंत्रियों से कहा, महाराज जी ताला है, ताला। ये ताला क्यों लगा है?
कहने लगी कोई चोरी न कर ले इसलिए। युधिष्ठिर कहते हैं तो इसका मतलब चोरी होने लग गई, यहां महाराज कलयुग आने वाला है, दस्तक दे रहा है कलयुग। बांके बिहारी लाल की पहले घरों में चोरी करते थे, अब तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। 16 तारीख को मेरे मंदिर का ही ताला, राधे कृष्ण गोलक तोड़ ली, पैसे ले गए। अरे मैं कहा भगवान तेरी चोरी होने लगी, हम कहा जाएंगे? पहली हुई उससे मसामून उजला किया, फिर हो गई। भगवान ने 7 बजे बता दिया फोन करके, आ जा भैया, पैसे भी मिल गए चोर भी मिल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। इतना अनाचार अत्याचार फैला है दुनिया में, लोग पहले छोटा बच्चा भी मंदिर में प्रवेश करेगा तो पहले कहेगा जूते उतार दो छोटा बच्चा, लेकिन उनको कोई भय ही नहीं है। चोर ताला देखा, युधिष्ठिर के मन में शंका हो गई कि अब कलयुग आने वाला है। सोच विचार ही कर रहे थे, इतने में मुंह लटकाए अर्जुन आ गया, क्योंकि रास्ते में गोपियां भीलों ने लूट ली, धनमाल सारा भीलों ने लूट ली। कहावत बन गई, वोई अर्जुन वोई बाण, गोपियां भीलन ने लूटी, वोई गंधीव धनस वोई बाण, लेकिन शक्ति तो ले गए भगवान, क्योंकि एनर्जी तो वहां से मिलती थी, अब वो एनर्जी देने वाले तो चले गए। अब वो चले गए तो अर्जुन में बल कहां से आए? आज अर्जुन मुंह लटकाए महाराज युधिष्ठिर के पास खड़ा है, कहता है ऐसा मुंह देख करके महाराज युधिष्ठिर को शंका हुई, बहुत सारे प्रश्नों की बौछार कर दी, क्या तूने पर स्त्री गबन किया है, क्या तूने किसी को वचन देके तोड़ दिया है, बहुत सारे प्रश्न किए। अर्जुन ने कहा महाराज जिनकी छत्र छाया के तले हम पल रहे थे, फल रहे थे, फूल रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को चले गए। मैया भुआ कुंती उनकी, माता कुंती तो वही पछाड़ खा के प्राण छोड़ दिए, जब भगवान ही नहीं रहे तो हम क्या करें दुनिया में, छोड़ दिए। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को राज दे करके पांडव चले गए वनवास में। इधर धृतराष्ट्र कुंती गांधारी को विदुर जी ले गए समझा बुझा करके कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों टूक तोड़ रहे हो, ये वही भीम है जिसको तुमने जहर के लड्डू खिलाए थे, वही भीम है जिसके मारने का तुमने कोई प्रयास में कसर नहीं छोड़ी, ये वही पांडव है जिनको लाक्षाग्रह में जलाया गया था। पांडव अपना स्वर्गारोहण कर गए, अब राज हो गया किसका? परीक्षित का। परीक्षित का उदय से अस्त तक राज है, बड़ा धर्म पूर्वक राज कर रहा है परीक्षित। परीक्षित का नाम विष्णु रात भी है, परीक्षित का नाम परीक्षित भी है। परीक्षित नाम क्यों रखा गया? परीक्षित क्यों रखा गया? अरे जब जन्म लिया हर किसी की तरफ देखता था कि वो जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी वो तो दिखाई दे नहीं रहा है, और ही और दिखाई दे रहे हैं, हर किसी को बड़े आश्चर्य से देखता था, इसलिए उसका नाम रखा परीक्षित। विष्णु रात इसलिए नाम रखा कि विष्णु भगवान ने ही गर्भ में जाकर के रक्षा की थी, इसलिए उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए नाम रख दिया विष्णु रात। परीक्षित धर्म पूर्वक राज किया। एक दिन परीक्षित जब जो है राज दिया तो पांडवों ने एक बात कही थी पांडवों ने कि ये जरासंध का मुकुट कभी सिर पर मत रखना,
विद्वानों ने बताया काले घोड़े पर सवार होकर के दक्षिण की यात्रा मत करना, लेकिन तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताए पै ताए तहां लैला। जो होनहार होती है 10 कदम आगे चलती है। मना किया था लेकिन उस दिन कोई घोड़ा नहीं मिला, मुकुट कोई पसंद नहीं आया, वही रख लिया और दक्षिण की तरफ ही चले। क्या देखते हैं, एक गाय बैल को चाट रही है और बैल बेचारा एक टांग पे खड़ा है, दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। गाय कौन है? पृथ्वी। आज गायों की बड़ी बोली जनसत्ता है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र होते हुए भी, हिंदुओं का देश होते हुए भी, हमारे देश में गायों की दुर्दशा हो रही है। पता नहीं कौन सा वो दिन आएगा, कब वो परमात्मा आएंगे जो हमारे इस देश भारत को फिर से सनातन का पूर्ण रूप प्रदान करेंगे, गायों की दशा सुधरेगी, ब्राह्मणों की दशा सुधरेगी, धर्म की दशा सुधरेगी, वो कौन दिन कब आएगा? आंसू बहने लगते हैं जब गायों की दशा देखते हैं हम लोग सड़कों पे घूमते हुए। सरकार ने काउ टैक्स भी लगाया है लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा है। बड़े बड़े उत्सव करके वो पैसा बर्बाद कर दिया जाता है, गाय के मुंह में निवाला नहीं जाता। सरेआम कसाई गायों की हत्या करते हैं, जिन 33 करोड़ देवताओं का वास जिस गाय माता में है, जो हमारे सारे तीर्थों का वास जिस गाय माता में है, एक सुंदर सा भजन गाया करते हैं हम, समय नहीं है गाएंगे तो नहीं, एक पैरा सुनाते हैं आपको। निकला है सवा मन सोना जिस फूट से, गाय बिचारी मरे चारा बिन भूख से। आपको याद हो शायद किसी को कि जब घर में श्राद्ध होता था, कोई पूजा पाठ होता था, तो हमारी माताएं कहती बेटा ले ये जल लेकर के गाय के खूंटे पर डाला। हमारे मन में ये बात होती थी कि गाय के खूंटे पर पता नहीं कौन सा देवता होता है जो माता पानी डालने के लिए कहते हैं। शास्त्रों को जब पढ़ा है तो ये हमने जाना है कि जिसके घर में गाय का खूंटा है, सुनिए ध्यान से, आज हम गोबर से डरते हैं, गाय को सानी देने से डरते हैं, गाय की सेवा से डरते हैं, जिसके घर में गाय का खूंटा है उसको इतना पुण्य मिलता है जितना सवामन सोने का दान करने से मिलता है, इतना पुण्य उसको मिलता है जिसके घर में गाय का खूंटा है। निकला है सवा मन सोना जिस खूंट से, गाय बिचारी मरे चारा बिन भूख से, हो गईयों को दिया दुत्कार हे गोविंद, गईयों को दिया दुत्कार हे गोविंद, पुकार हे गोविंद, आज कलयुग में लेके अब तार हे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हे गोविंद, भगवान का नाम गोविंद पड़ गया, ले पुकार हे गोविंद, आज कलयुग में लेके अब तार हे गोविंद, आज कलयुग में लेके अब तार हे गोविंद, अपने भक्तों सुन ले पुकार हे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हे
कहीं से कोई ज्ञान ले तो बड़े ज्ञानों का भंडार है भारतवर्ष में। मेरी माता बहनों के लिए घर घर में माखन की जगह पे क्या है बताओगे? घर घर में माखन की जगह पे शराब है, कलयुग की गोपियों का बड़ा बुरा हाल है। धर्म ही बन गया व्यापार है गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार है गोविंद। कभी कभी किसी के घर जाना पड़ता है, हम लोगों को दौड़ के जाते हैं, फ्रिज में से पानी निकाल के लाते हैं। कभी कभी फ्रिज पे नजर पड़ जाती है हमारी तो फिर पानी पीने को जी नहीं करता। प्यास होने पर भी ये कहना पड़ता है माता जी प्यास नहीं लगी है, क्योंकि जिस फ्रिज में मक्खन होना चाहिए और राधे राधे हो रही है। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। दुनिया कैसे सुधरेगी? दुशासन ने चावी साड़ी खींची द्रौपदी की, बैदी में आजकल दुशासन चलाया तो खींचेगा क्या भैया? कुछ खींचने के लिए है कुछ भी नहीं। राधे राधे सुधरो, हमारे धर्म को पहचानो, हमारी विरासत को संभाल के रखो जो हमको बुजुर्गों ने प्रदान किया है। इस विरासत में बहुत कुछ है, अगर समझोगे तो, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, समझोगे तो इस विरासत में बहुत कुछ है। इसलिए गाय बढ़ाते हैं, गाय चाट रही है, बैल और रो रहे हैं दोनों। बैल कह रहा है मुझे पता है तेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं इसलिए पापियों का भार भर गया है। गाय कौन है? पृथ्वी। वो कहती है मैं तो ठीक हूं आर्य पुत्र, लेकिन तुम अपना हाल देखो, तुम तो तीन टांग ही नहीं है, एक ही टांग है। ऐसी बात हो रही है, परीक्षित छुप के सुन रहे हैं। इतने में एक काला पुरुष आता है और आकर के वो एक टांग जो बची है बैल की उसको भी कुल्हाड़ी से काटने लगता है। देख करके नहीं रहा गया, महाराज परीक्षित ने ललकारा उसको, सावधान तेरे को मार देता हूं मैं। अरे तू कौन है पापी? इसका एक बैल के पहले ही एक टांग है, इसको भी तू काटने लग रहा है, कौन है? खबरदार मैं तुझे मार देता हूं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज मारो मत, मैं हूं कलियुग। तो कलियुग है तो तेरा इसका क्या वैर है? क्या पक्का वैर है महाराज, क्या वैर है? ये जो है धर्म है और मैं कलियुग हूं। धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य दम दया और दान। कौन कौन से? सत्य दम दया और दान। सत्य तो आप जानते ही होंगे, दम का मतलब है इंद्रियों को बस में रखना, दम दया और दान। सतयुग जाता है, सतयुग में पूरे चार चरण होते हैं। सतयुग जाता है एक चरण कट जाता है सत्य वाला, लोग सत्य बोलना छोड़ देते हैं।
त्रेता जाता है एक और कट जाता है दम वाला, लेकिन जब द्वापर जाता है एक और कट जाता है दया वाला। कलयुग में एक ही पैर रह जाता है दान वाला। केन केन विधि कीने दान करे कल्याण, लेकिन दान को कलयुग काट रहा है। अब कलयुग कहता है महाराज मैं क्या जाऊं बताओ। कह लगे तू वहां जा जहां लोग शराब पीते हैं, तू वहां जा जहां लोग जुआ खेलते हैं, तू वहां जा जहां लोग माता पिता का अनादर करते हैं, तू वहां जा जहां पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं, तू वहां जा जहां स्त्री पर पुरुष गमन करते हैं। कलयुग कहता है सारी गंदी गंदी जगह बता दी, एक बढ़िया जगह भी बता दो ना। दया आ गई महाराज परीक्षित ने कहा एक जगह तू मांग ले। तो कहा मांग लो या मांग लो सोने में जगह दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है दे दी। अब ये नहीं को पता रहा कि मेरी खोपड़ी पे जो मुकुट जरासंध का रखा है वो सोने का ही तो है। राजा सोने का मुकुट नहीं पहनते, चांदी का मुकुट पहनते हैं और किसी धातु का पहनते हैं। एक जरासंध ही ऐसा था जो सोने का मुकुट पहनता था, वो मुकुट मना किया था लेकिन उन्होंने धारण किया था। कलयुग बैठ गया, वहां से राजा चले। बड़े जोर की प्यास लगी और ऐसी प्यास लगी कि सहन नहीं। सोचने लगे कहीं से जल मिले तो सामने देखे कुटिया है। कुटिया में गए वहां पर आवाज लगाई लेकिन कोई वहां आया नहीं। परीक्षित सोचने लगे भाई मैं इतना बड़ा राजा और इस कुटिया में आया, मेरा स्वागत होना तो दूर गया, मेरे को किसी ने पानी तक नहीं पूछा। इधर उधर देखा तो देखा एक ऋषि ध्यान मग्न बैठे हैं। सोचने लगे इस ऋषि को दंड देना चाहिए क्योंकि मैं इसकी कुटिया में आया इसने स्वागत नहीं किया। बाद में मन में आया कि मैं तो पांडव पुत्र हूं, पांडवों ने तो ऋषियों का सत्कार किया कभी दंड नहीं दिया, मैं कैसे दंड दे सकता हूं। अब दोनों बात आ रही है, धर्म भी लड़ रहा है पाप भी लड़ रहा है। पाप कह रहा है दंड दे, धर्म कह रहा है नहीं नहीं दंड कैसे दे सकता है, तू तो युधिष्ठिर का परपोता है। आखिरकार उसने मरा हुआ सांप लेकर डाल दिया और वहीं से बीमारी पक्की लग गई। चले गए जाकर के मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही कलयुग सर से उतरा। तभी ध्यान आया हाय मैंने तो बुरा कर दिया, अब क्या होगा। हे भगवान मुझे मेरे पाप का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि न्यायकारी होते हैं उनको दंड ये नहीं है कि मेरा है कि पराया है, दंड मिलना चाहिए। इधर क्या होता है कि ऋषि का पुत्र था श्रृंगी, बच्चों में खेल रहा, उसने पता लगा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। रोए और आकर के पिता के गले से सांप निकाला। सांप निकाल करके रो रहे थे, आज श्राप भी दे चुके, जल में आचमन किया श्राप दे दिया। हे कुलाबलार राजा को तो चाहिए कि संतों ऋषियों मुनियों की सहायता करे मदद करे, लेकिन तूने तो वो किया है जो करना नहीं चाहिए। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से सातवें दिन तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद रोने लगे तो आंसू गिरे पिता के ऊपर, पिता की आंख खुली, पिता ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, तो सारी बात बताई। पिता ने कहा बेटा तूने राजा परीक्षित को श्राप तो नहीं दे दिया कि हाँ मैंने दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि मैंने ये श्राप दे दिया कि सातवें दिन तुझे तक्षक का भट लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तूने बहुत बुरा किया। 500 वर्ष बीत गए जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं किया, ऐसे धर्मावलंबी राजा को छोटे से अपराध के ऊपर इतना बड़ा तूने दंड दे दिया, तूने बहुत बुरा किया बेटा।
अब तू ही जा उसको बता के आ कि सात दिन में अपनी मुक्ति का साधन बना ले। सांप डसने वाला है। श्रृंगी ऋषि गए दरबार में, राजा को कहा महाराज मैं भृंगी ऋषि का पुत्र हूं, मेरा नाम श्रृंगी है, तुमने मेरे पिता के गले में सांप डाला, मैंने तुम्हें तक्षक सांप के डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया है, सात दिन तुम्हारे पास हैं, सात दिन में अपने परलोक का साधन बना लीजिए। राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु आपने मुझे सात दिन का जीवन तो दे ही दिया, अब सात दिन तो मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता, और आपने मेरी मृत्यु बता दी कि तेरी मृत्यु यहां पर है, मैं तुम्हारा कोई शब्द नहीं जिनसे मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं, तुमने मुझे उऋण कर दिया, मैं बड़े सस्पंज में था, बड़ा मुझे दुख था कि मैंने अपराध किया है, उस अपराध से मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारे चरणों का बार बार वंदन करता हूं। ऋषि के चले जाने पर उन्होंने पुत्र जन्मेजय को राज दे दिया, राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे पर अनशन करके बैठ गए, जिस जिस ऋषि मुनि को पता लगा वो सभी वहां पहुंच गए, महाराज पराशर जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी, गालब ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वहां पहुंच गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए। एक बात मैं बता देता हूं, हम सबकी मृत्यु भी सात दिनों में ही होनी है, ऐत सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ठीक है ना, इन्हीं सात दिनों में होती होनी है, इसके अलावा और कोई दिन नहीं आए। शिक्षा लेनी चाहिए भागवत से, जैसे राजा परीक्षित ने सात दिन में अपने मोक्ष का साधन बनाया, ऐसे ही हमको भी अपने मोक्ष का साधन ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन यहां क्या है कि मौत पर आई देख कर हो रोबत मूड गमार, अपनी मृत्यु न दीखती हरदम भूत सवार, और की मृत्यु को देख करके हम रोते हैं लेकिन अपनी मृत्यु नहीं दिखाई देती जो हर समय हमारे सर पर भूत सवार है। उसी समय नारद के भेजे हुए महाराज सुखदेव जी पधारे, बड़ी बड़ी जटाएं, 16 साल के लंबी लंबी भुजाएं, गौर वर्ण केवल कोपीन धारण किए हुए हैं, भभूति अंग में रंगाई हुई है, कुछ भी साथ नहीं है कोपीन के अलावा, कोपीन समझते हो लंगोटी, लंगोटी के अलावा कोई चीज नहीं है। जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है उतनी देर ग्रस्त के यहाँ ठहरते हैं, इससे ज्यादा नहीं ठहरते, उनके आते ही सब लोग खड़े हो गए, स्वागत किया उनका, और स्वागत करने के बाद उनको आसन दिया। राजा ने प्रश्न किए प्रभु जिसकी मृत्यु सामने हो उस इंसान को क्या करना चाहिए, कहते हैं भैया बरियान ते प्रश्न करता लोक हितै नपह, राजन तेरे प्रश्न अच्छे हैं, तने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है।